हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फाउंडेशन एग्री क्लासेस। अगर आप इस क्लास के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा हमारे ऐप में, और हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यू कैन डाउनलोड आवर ऐप एंड एंजॉय द नोट्स एंड मच मोर स्टफ फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लेक्चर को लाइक भी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा टॉपिक है एग्रोमेट्रोलॉजी। एग्रोमेट्रोलॉजी का ये कौन सा लेक्चर है? ये लेक्चर फर्स्ट है एग्रोमेट्रोलॉजी का, और ये एग्रोमेट्रोलॉजी जो है जनरली फोर्थ सेमेस्टर में एक कोर्स होता है एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में, तो हम आज उसको देखने वाले हैं। 5-6 लेक्चर लगेंगे इसमें पूरा कंप्लीट करने में। तो हम स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर 1। एग्रोज का मतलब तो सभी को पता है, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, और यह मेट्रोलॉजी जो है यह दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है एग्रोमेट्रोलॉजी। दो ग्रीक वर्ड कौन कौन? पहला वर्ड है मेट्योर और दूसरा वर्ड है लॉजी। मेट्योर का मतलब होता है हाई इन द स्काई, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में लिख देते हैं। मेट्योर का मतलब क्या होता है? हाई इन द स्काई। और लॉजी का मतलब स्टडी होता है, ये तो सभी को पता है, सारे वर्ड में ही आपको वहीं देखते हैं। तो हाई इन द स्काई यानी हमें हाइट से रिलेटेड स्टडीज़ करनी है। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट सॉयल और ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट पे लगाया जाता है वो आपसे पूछा जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो कि रिपीटेडली पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, डेफिनेटली ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ही आएंगे, तो वो हमने लिख के रख दिया पहले से। माइक्रो क्लाइमेट पोस्ट, इसे हम शॉर्ट में MC पोस्ट भी बोलते हैं, और यह 3.60 मीटर हाइट पर लगाया होता है। ये हाइट दिया हुआ है ग्राउंड लेवल से। वैसे ही सनशाइन रिकॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 3.08 मीटर हाइट पे लगा होता है। एनीमोमीटर और विंड वेन, ये तीनों 3.08 मीटर हाइट पे ही लगा होता है। स्टेवेंसन स्क्रीन, इससे तो ये तक पूछा गया है कि ये कहाँ यूज किया जाता है, एग्रोमेट्रोलॉजी में या रिमोट सेंसिंग में। तो एग्रोमेट्रोलॉजी आंसर, इसका हाइट जो होता है सॉइल से या फिर ग्राउंड लेवल से 1.22 मीटर हाइट पर इसको लगाया जाता है। ऑटोमेटिक रेन गॉज 75 सेंटीमीटर पर लगाया जाता है, और ऑर्डिनरी रेन गॉज 30 सेंटीमीटर पर लगाया जाता है। वैसे ही इवेपोरेशन पैन 30 सेंटीमीटर की हाइट पे लगाया जाता है। अगर इसका हम हाइट चेंज कर देंगे तो रीडिंग में डेविएशन आ जाएगा। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ ये वैलिड है। जैसे इवेपोरेशन पैन का एग्जांपल ले, अगर हम इसको थोड़ा नीचे लगाते हैं 30 सेंटीमीटर से तो हमें नॉर्मल से ज़्यादा रीडिंग मिलेगी, और अगर ऊपर लगाते हैं तो कम रीडिंग आएगी। तो हम लोग इसी वजह से हाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसमें होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले मेट्रोलॉजी होता क्या है। क्या होता है मेट्रोलॉजी? स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट को हम क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजी। और वैसे ही अगर हम एग्रोमेट्रोलॉजी की बात करें, एग्रोमेट्रोलॉजी तो स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट विथ रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, तो वो हो जाएगा अपना एग्रोमेट्रोलॉजी। तो इसमें हम मेनली देखेंगे किसके किसके बारे में, ये देख लीजिए ज़रा सा। इसमें इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो वो हमने एक साथ लिख दिया है। अब ये एक एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बोलना उसका कोई मीनिंग है नहीं, तो ये आप नोट से ही देख लेंगे। जैसे मैक्सिमम थर्मोमीटर जो है वो पूरे दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर मेज़र करता है। इसको हम मेनली 2 बजे यूज़ करते हैं दोपहर में, और इसमें लिक्विड मरकरी का यूज़ किया जाता है। तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वैसे ही अगर हम देखें तो मिनिमम थर्मोमीटर का यूज़ जो होता है वो पूरे 24 आवर्स में जो मिनिमम टेम्परेचर है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसे हम 7 AM मॉर्निंग में यूज़ करते हैं, और इसमें मरकरी की जगह पे अल्कोहल या फिर स्प्रिट का यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह से सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट और वो क्या किस लिए यूज़ होते हैं, जैसे थर्मोग्राफ कहाँ यूज़ होता है या टेम्परेचर मेज़र करता है, थर्मोकपल सॉइल टेम्परेचर मेज़र करता है, थर्मोमीटर ये सॉइल टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सब मैंने लिख दिया है, इसमें कुछ समझने वाला है नहीं, तो ये आप नोट्स से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम वेदर के बारे में देखते हैं। हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं ना एग्रोमेट्रोलॉजी में, पहला क्या पढ़ते हैं? वेदर, और दूसरा क्या पढ़ते हैं? क्लाइमेट। तो हम देखेंगे वेदर क्या है। ए स्टेट और कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए गिवन प्लेस एंड ए गिवन टाइम। गिवन प्लेस और गिवन टाइम पे एटमॉस्फेयर का क्या कंडीशन, यानी कि वेदर जो है ये शॉर्ट रेंज के लिए होता है। वेदर किसके लिए यूज होता है? स्मॉल एरिया के लिए। स्मॉल एरिया का एग्जांपल क्या हो गया? कोई विलेज हो गया, कोई स्मॉल डिस्ट्रिक्ट हो गया। शॉर्ट एरिया के लिए एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट
पीरियड ऑफ टाइम, तो वेदर का जो यूज करेंगे हम वो स्मॉल एरिया को बताने के लिए और स्मॉल टाइम पीरियड को डिनोट करने के लिए। जैसे मान लो एक दिन का टेम्परेचर बता रहा है, एग्जांपल हॉट डे, तो यहाँ हम दिन के वेदर का बात कर रहे हैं, क्लाउडी वेदर, यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम पे। कोई बोल रहा है आज का वेदर क्लाउडी है, तो इसका क्या मतलब होगा? वो पर्टिकुलर जिस एरिया में वो आदमी है और पर्टिकुलर जिस टाइम की वो बात कर रहा है, उस टाइम का वेदर क्लाउडी है। ऐसा तो है ना कि एकदम तीन चार दिन से क्लाउडी वेदर ही बना हुआ है, तो फिर तीन चार दिन के लगे वेदर में ही आएगा। अगर एक मंथ या उससे ज़्यादा होता है तब क्लाइमेट की बात करते हैं हम। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट जो है वो होता है समीशन होता है वेदर का गिवन रीजन में कंपेरेटिवली लॉन्गर टाइम के लिए। क्लाइमेट जो है लार्जर एरिया के लिए यूज किया जाता है, लार्जर एरिया के लिए यूज किया जाता है। लार्जर एरिया का क्या मतलब हुआ? जैसे कि कोई जोन हो गया, कोई स्टेट हो गया, पूरे स्टेट की हम बात कर रहे हैं, पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं, तो वहाँ हम बोलेंगे वेदर। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे हो गया कोल्ड वेदर, सॉरी क्लाइमेट, कोल्ड सीजन, तो हम उस सीज़न के क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप देखें तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो ये क्लाइमेट होगा, नाम में ही क्लाइमेट आ रहा है। बट जैसे यहाँ कोल्ड सीजन है एग्जांपल में, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है और लॉन्गर एरिया के लिए यूज़ किया जा रहा है। सिंपली हम बोल सकते हैं क्लाइमेट जो है सबमिशन है वेदर कंडीशंस का। आगे बढ़ते हैं हम, अब हम देखते हैं क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन। वेदर तो छोटा सा है और क्लाइमेट थोड़ा, उसके अलग अलग क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं, तो हम क्लासिफिकेशन बात करेंगे। सबसे पहले डी कैंडोले ने जो क्लासिफिकेशन दिया है, ये डी कैंडोले ने फर्स्ट टाइम क्लासिफाई किया था वेदर को, और उनका बेसिस क्या था? वेजिटेशन के बेसिस पे। और उन्होंने ही एनुअल और मंथली मीन ऑफ टेम्परेचर के बेसिस पे भी डिवाइड किया है और प्रिसिपिटेशन के बेसिस पे भी डिवाइड किया। ये पॉइंट आप गायब कर सकते हैं, आप बस याद रखिए कि डी कैंडोले ने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था क्लासिफाई करने का वेदर को, और उन्होंने जो क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो दिया है वो कॉपेन ने दिया है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पूरे वर्ल्ड को क्लाइमेट को पांच ग्रुप्स में डिवाइड किए थे, बस ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये ट्रॉल ने फिर 1965 में क्लासिफिकेशन दिया है, उनका बेसिस क्या था? टेम्परेचर एंड ह्यूमिड मंथ्स, टेम्परेचर एंड ह्यूमिड मंथ्स के बेसिस पे। और ये क्लासिफिकेशन जो था, यह पहला क्लासिफिकेशन था जो सूटेबल था एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ट्रॉल ने फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया है जो कि एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए सूटेबल था, और उनका बेसिस क्या था? टेम्परेचर एंड ह्यूमिड मंथ्स। ये एक्रीसेट जो है, जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है, उसने अडॉप्ट करा था ये ट्रॉल के इस मेथड को क्लासिफाई करने के लिए, सेमी एरिड एंड ट्रॉपिक्स इन इंडिया। ये एक्रीसेट आप सभी को पता है उसके बारे में, तो उसने अडॉप्ट करा था ट्रॉल के मेथड को, इस वजह से भी ये मेथड थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम, फिर अपना फोर्थ क्लासिफिकेशन जो है वो थ्रॉन्ट वाइट ने दिया है। इनका बेसिस क्या था? प्रिसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस इंडेक्स के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया है। प्रिसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस को शॉर्ट में PEV बोलते हैं, इसी का फॉर्मूला है P/E × 100। और यहाँ P क्या है? एनुअल प्रिसिपिटेशन, और E क्या है? एनुअल इवेपोरेशन, यानी प्रिसिपिटेशन और इवेपोरेशन इंटू 100। तो इसके बेसिस पे इन्होंने क्या ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं? PE इंडेक्स, और PE इंडेक्स के बेसिस पे क्लाइमेट को डिवाइड किया गया है। वेट, ह्यूमिड, सब ह्यूमिड, सेमी एरिड एंड एरिड रीजन। वेट, ह्यूमिड, सब ह्यूमिड, सेमी एरिड एंड एरिड रीजन, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो वेट क्लाइमेट किसको बोलेंगे? जिसका पी इंडेक्स 128 या उससे ज़्यादा हो। इसको अगर आप नीचे से याद करेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा। सबसे पहले एरिड, एरिड का 16 या उससे कम होगा पी इंडेक्स। फिर 16 से 31 होगा सेमी एरिड का। फिर 32 से 63 होगा सब ह्यूमिड का। 63 के बाद क्या आता है? 64। तो 64 से 127 होगा ह्यूमिड का, और 127 के बाद क्या? 128। तो 128 या उससे ज़्यादा होगा तो वो वेट क्लाइमेट माना जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया? पीई इंडेक्स के बेसिस पे क्लाइमेट को पांच ग्रुप्स में बांटा गया है, वेट, ह्यूमिड, सब ह्यूमिड, सेमी एरिड एंड एरिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अभी हमने देखा पीई इंडेक्स किसको, पीई इंडेक्स कैसे निकलता है? P/E × 100। एक ये फॉर्मूला हो गया आपके पास, ध्यान रखिएगा।
वैसे ही एक होता है मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स, इसको शॉर्ट में हम MAI बोलते हैं। ये क्या है? मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं रेनफॉल एट 50% प्रोबेबिलिटी। क्या? रेनफॉल एट 50% प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन ऑफ सेम पीरियड, जिस पीरियड का हम रेनफॉल ले रहे हैं, PET ऑफ सेम पीरियड। ये समझ आया? बिल्कुल इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आप बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट कैसे होता है। रेनफॉल एट 50% प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाई PET ऑफ सेम एरिया, ये S लिखा हुआ है। और एक और पॉइंट आप ध्यान रख लेंगे कि एरिडिटी इंडेक्स क्या होता है, शॉर्ट में हम लिखते हैं AI, इसे हम बोलते हैं एरिडिटी इंडेक्स। इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसको कैलकुलेट किया जाता है वाटर डेफिसिट, शॉर्ट में WD लिख दे रहे हैं, अपॉन पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, PET, यहाँ जो PET लिखा है ना वहीं, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, ये होता है एरिडिटी इंडेक्स। एरिडिटी इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय वाटर डेफिसिट, लिख ही देते हैं वाटर डेफिसिट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, ये तो पता ही है सभी को। तो ये तीन टर्म आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहला क्या है? PE इंडेक्स, प्रिसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस इंडेक्स। क्या है? प्रिसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस इंडेक्स। दूसरा है मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स, और तीसरा है एरिडिटी इंडेक्स। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर। हमने मॉइस्चर अवेलेबिलिटी पढ़ा, और अपना पांचवा क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दिया है? मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स के बेसिस पे वो क्लासिफिकेशन दिया गया है कृष्णा एंड सिंह के द्वारा। ये भी पूछ दिया जाता है कि किसने दिया है मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स, जिसे हम शॉर्ट में MDI बोलते हैं। ये क्लासिफिकेशन दिया है कृष्णा एंड सिंह ने, और इस क्लासिफिकेशन को अडॉप्ट किया है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ड्राई लैंड, जो कि ICR ने स्टार्ट करा था 1983 में। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर स्टार्टेड बाई ICAR। तो इस AICRP प्रोजेक्ट ऑन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर ने अडॉप्ट करा था क्लासिफिकेशन MDI बेसिस पे। MDI का मतलब क्या है? मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स। कई बार इसको एक्सपेंड करने को भी पूछ दिया जाता है MDI को। तो MDI का फॉर्मूला क्या हो गया? इसका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ भी है, बट हम अच्छे से लिख देते हैं इसको। MDI का फॉर्मूला होता है P-PET/PET/100। अब ये शॉर्ट फॉर्म तो सभी को पता ही है, P-PET/PET/100 से निकालते हैं मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स। और इस मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स के बेसिस पे क्लाइमेट को तीन तरीके से बांटा गया है। सबसे पहला है सब ह्यूमिड, दूसरा है सेमी एरिड, तीसरा है एरिड। सब ह्यूमिड जो है उसका MDI वैल्यू, मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स वैल्यू 0 से -33 तक होता है। सेमी एरिड का -33 से -66, और एरिड रीजन जो है उसका -66। ये MDI का वैल्यू माइनस में ही आता है, तो इस वजह से माइनस डाला हुआ है, क्योंकि ये डिफिशियंसी को दिखा रहा है। तो सब ह्यूमिड, सेमी एरिड और एरिड। अब ह्यूमिड रीजन में तो यार मॉइस्चर की डिफिशियंसी थोड़ी होगी, तो वो आता नहीं है इसमें, इस वजह से सब ह्यूमिड से ही शुरू हुआ है। सब ह्यूमिड में 0 से -33 तक, सेमी एरिड में -33 से -66 तक, और एरिड में -66 से ज़्यादा जहाँ तक भी जाए। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपने पहले कंपोनेंट की, बट इस पहले कंपोनेंट के बारे में बात करें उससे पहले हमको देखना होगा एक और क्लासिफिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्लाइड में मिस हो गया है। ये क्लासिफिकेशन रेनफॉल के बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल। एटमॉस्फेयर को चार ग्रुप में बांटा गया है, पहला है एरिड, दूसरा है सेमी एरिड, तीसरा है सब ह्यूमिड, और चौथा है ह्यूमिड। ये हम लिख रहे हैं, यानी डेफिनेटली ये इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना है आपको, और वैसे एग्जाम दोगे तो पता चल ही जाएगा। ये तो हमने नाम लिख दिया, और यहाँ रेनफॉल कितना होता है?
रेनफॉल जो हम लिख रहे हैं इसका यूनिट क्या है, एमएम में हम लिख रहे हैं। एरिड रीजन में जो रेनफॉल है वह 250 एमएम से कम होता है। सेमी एरिड रीजन की अगर बात करें तो वहाँ जो रेनफॉल है वो बिटवीन 250 टू 500 एमएम होता है। 250 टू 500 एमएम रेनफॉल कहाँ होता है, सेमी एरिड में। और सब ह्यूमिड रीजन में 500 टू 1000 एमएम रेनफॉल होता है। यूनिट नहीं लिखना है यहाँ पे, 500 टू 1000 एमएम रेनफॉल होता है सब ह्यूमिड रीजन में, और ह्यूमिड रीजन में ग्रेटर देन 1000 एमएम रेनफॉल होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। तीन क्लासिफिकेशन मैंने बताया, पीई इंडेक्स के बेसिस पे, मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स के बेसिस पे और रेनफॉल के बेसिस पे। तीनों अच्छे से लिख लो और तीनों अच्छे से याद कर लेना है। नोट्स चाहिए तो पता ही है कहाँ मिलेगा, ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स को। हम सब अब एटमॉस्फेयर के बारे में देखेंगे। एटमॉस्फेयर क्या है, तुम्हारे सामने जो कुछ भी दिख रहा है, जो एयर तुम्हें दिख रहा है वही है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर कैसा है, कोई कलर तुमको दिख रहा है क्या सामने? बोलोगे मोबाइल का तो कलर दिख रहा है। अरे वो नहीं, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ के कलर की बात करी जा रही है, जहाँ गैसेस हैं उन गैसेस का कलर दिख रहा है, कलरलेस होता है। कोई टेस्ट आ रहा है, तुम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो तो कोई टेस्ट फील हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो ये जो गैसेस है वो टेस्टलेस भी हैं। और कोई स्मेल आ रहा है, अरे उस स्पेसिफिक स्मेल की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मली जब तुम फ्रेश एयर में घूम रहे हो जो नेचर में अवेलेबल है, तो उसमें कोई ऑर्डर है क्या? नहीं है ना, तो ऑर्डरलेस होता है। और यह है गैसेस का मिक्सचर, गैसेस का मिक्सचर जो कि सराउंड कर रहा है अर्थ को। एक बार अच्छे से देखो, एटमॉस्फेयर इज ए कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। तीन प्रॉपर्टीज़ बताई गई है, एटमॉस्फेयर इज ए कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेयर की जो हाइट कहाँ तक कंसिडर की जाती है, 1600 किलोमीटर तक, कहाँ से? अर्थ सरफेस से। यह भी एमसीक्यू में पूछा गया है पहले, अर्थ सरफेस पे से कहाँ तक एटमॉस्फेयर एक्सटेंड कर रहा है, इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर। उसका हम क्लासिफिकेशन आगे देखेंगे तुरंत। बट ये 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर रहा है ना एटमॉस्फेयर, बट उसका जो 99% मास जो है एटमॉस्फेयर का, वो 40 किलोमीटर के रीजन में ही कन्फाइंड है। देखो ये अर्थ हो गया, यहाँ से 1600 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो यहाँ तक कोई ना कोई गैसेस प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर है। बट यहाँ हम अगर 40 किलोमीटर ऊपर आ रहे हैं तो 90% जो एटमॉस्फेरिक मास है वो 40 किलोमीटर में ही है, यानी कि 40 किलोमीटर तक ही गैसेस की डेंसिटी ज़्यादा है। तीन पॉइंट हमने बताया यहाँ पे, एक तो एटमॉस्फेयर का प्रॉपर्टी, दूसरा 1600 किलोमीटर एटमॉस्फेयर का हाइट होता है, और 99% एटमॉस्फेरिक मास 40 किलोमीटर में ही कन्फाइंड होता है। आगे हम बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से देखना। ये आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अभी ही याद हो जाएगा, दोबारा रिवाइज करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम ग्राफ के फॉर्म में इसको आपको समझा देते हैं। ये हमने ग्राफ बना लिया। एटमॉस्फेयर में चार लेयर्स होती हैं, सभी को पता है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। लिख देते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। चार लेयर का नाम पूछे, यही चारों लिखना है। स्फेयर लिख लोगे यार आगे, पूरा लिखना, लिख के क्या करना है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, ये चार लेयर्स होते हैं। इन चारों लेयर्स को अब आप नोट्स पढ़ पढ़ के याद ना करें, हम यहाँ आपको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा देते हैं। इधर हम लिख देते हैं हाइट, डेफिनेटली एटमॉस्फेयर की हाइट है, और यहाँ टेम्परेचर। ठीक है, सबसे पहला जो अपना है ट्रोपोस्फेयर, उसके लिए हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, हमने जानबूझ के कर्व लाइन बनाया है। पहला है ट्रोपोस्फेयर, ये ट्रोपोस्फेयर जो है इसमें क्या क्या होते हैं, क्लाउड सारे इसी में होते हैं, क्लाउड इसी में होगा, डस्ट इसी में होगा, सारी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ इसी लेयर में होंगी, और एटमॉस्फेयर के मास का 85% एटमॉस्फेरिक मास इसी में रहेगा। एम लिख देते हैं, एटमॉस्फेरिक मास। ठीक, इसका हाइट जो है वो 8 to 18 किलोमीटर तक होता है। 8 किलोमीटर कहाँ पे होता है, पोल से, पोल से अगर आप हाइट मेजर करेंगे तो 8 किलोमीटर होगा, और इक्वेटर से हाइट मेजर करेंगे तो 18 किलोमीटर। नीचे टेम्परेचर रेंज भी हम ज़रा लिख देते हैं, सेंटर पे मान लो, वरना कन्फ्यूजन होगा, यहाँ -100 है और आगे 20-20 बढ़ाते जाओ, 20, 40, 60, 80, 100। ठीक है, हालांकि इसको नहीं भी ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला ट्रोपोस्फेयर है ना, ट्रोपोस्फेयर के बारे में क्या क्या याद रखना है कि 85% मास ट्रोपोस्फेयर में होता है,
उसमें क्लाउड होता है, डस्ट होता है, सारी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ ट्रोपोस्फेयर में ही होती हैं, और ट्रोपोस्फेयर के बाद जो लेयर है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रोपोपॉज। एक पतला सा लेयर होता है, इस लेयर को हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव से भी डेफिनेटली क्वेश्चन रहेगा इससे। ट्रोपोपॉज हो गया, ये कोई लेयर नहीं है, ये बस बाउंड्री को बोलते हैं। उसके बाद है अपना स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर ये इसको हम बोलते हैं वार्मेस्ट लेयर। इसकी हाइट कितनी होती है, ये 18 किलोमीटर तक है, तो 18 से 50 किलोमीटर तक, ये क्या 50 किलोमीटर तक होता है स्ट्रेटोस्फीयर। इस स्ट्रेटोस्फीयर में एटमॉस्फेरिक मास का 15% कन्फाइंड होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, और जो स्ट्रेटोस्फीयर है इसी में ओजोन लेयर होता है, तो इसको ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर का दूसरा नाम क्या है, ओजोनोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर का दूसरा नाम ओजोनोस्फीयर। ओजोनोस्फीयर इसका नाम क्यों है, जूम कर देते लिखने में थोड़ा इजी होगा, क्योंकि इसमें O3 लेयर प्रेजेंट है। O3 का इसमें लेयर जो है वो किस हाइट पे होता है सबसे ज़्यादा, 20 से 25, ये भी पूछा जाता है। 20 से 25 किलोमीटर के हाइट पे ओजोन लेयर सबसे ज़्यादा होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन इस लेयर में सबसे ज़्यादा होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, शॉर्ट कर दो इसको। फोटोकेमिकल रिएक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलती है, और ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में मिलता है, और इस वजह से स्ट्रेटोस्फीयर का दूसरा नाम ओजोनोस्फीयर भी होता है। ठीक है, हम अगला लेयर ड्रॉ करते हैं। उससे पहले एक बाउंड्री लेयर ड्रॉ करेंगे, इस बाउंड्री को क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोपॉज। ये बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेटोस्फीयर ख़त्म हो रहा है तो स्ट्रेटोपॉज, स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज के बाद कौन सा लेयर होगा, सभी को पता है, मीजोस्फीयर। थर्ड लेयर कौन सी है, मीजोस्फीयर है। मीजोस्फीयर के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि उसकी हाइट जो है वो 80 किलोमीटर तक होती है, 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है मीजोस्फीयर, और मीजोस्फीयर के जस्ट ऊपर जो बाउंड्री होगी उसको हम बोलेंगे मीजोपॉज। इस बाउंड्री को हम क्या बोल देंगे, मीजोपॉज, और मीजोपॉज के ऊपर जो लेयर होगी उसे हम बोलेंगे थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर को भी फर्दर दो लेयर्स में हमने क्लासिफाई करा, पहला जो थर्मोस्फीयर का नीचे वाला लेयर है उसके बोलते हैं हम लोग आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर और ऊपर वाले लेयर जो सबसे बाहर है उसे बोलते हैं एग्जोस्फीयर। थर्मोस्फीयर के लोअर जोन को बोलते हैं आयनोस्फीयर और अपर जोन को बोलते हैं एग्जोस्फीयर। आयनोस्फीयर का भी हाइट कई बार पूछ लिया जाता है, ये होता है 80 से 300 किलोमीटर, याद रखिएगा। इधर देखिए, ये मीजोस्फीयर 80 किलोमीटर तक है, 80 किलोमीटर से मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगी, 1600 किलोमीटर तक, इसमें याद रखिएगा। 300 तक क्या है आयनोस्फीयर, और उसके ऊपर है एग्जोस्फीयर। आयनोस्फीयर नाम से ही पता चल रहा है, इसमें आयन्स प्रेजेंट होंगे और डिफरेंट आयनिक एक्टिविटीज इसमें देखने को मिले। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आयनोस्फीयर की वजह से ही डिफरेंट रेडियो एक्टिविटीज जो परफॉर्म करी जाती हैं वो पॉसिबल हो पाती है। क्या पॉसिबल हो पाती है, लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड है आज के लेक्चर का, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। एटमॉस्फेयर जो है उसको चार लेयर्स में डिवाइड किया गया, थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बारे में आपको इतना ही याद रखना है, इसी से आप सब कुछ लिख दोगे, चाहे वो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो। ट्रोपोस्फेयर जो है उसमें 85% होता है एटमॉस्फेरिक मास। सबसे पहले तो देख लो कि 18 किलोमीटर तक उसका हाइट होता है पोल से, पोल से हाइट है 8 किलोमीटर और 18 किलोमीटर हाइट है इक्वेटर से। एटमॉस्फेरिक मास का 85% है इसमें, इसमें क्लाउड डस्ट माइक्रोब्स होते हैं। दूसरा लेयर है अपना स्ट्रेटोस्फीयर,
इस स्ट्रेटोस्फेयर में 15% एटमॉस्फेरिक मास होता है, और स्ट्रेटोस्फेयर का दूसरा नाम है ओजोनोस्फेयर। ये ओजोनोस्फेयर नाम क्यों है? क्योंकि इसमें ओजोन लेयर पाया जाता है, और उस ओजोन लेयर का हाइट होता है 22-25 किलोमीटर। और फोटोकेमिकल रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। मीजोस्फेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आता है, और इसका हाइट होता है 80 किलोमीटर तक। मीजोस्फेयर में बस यही ध्यान रखना कि 80 किलोमीटर हाइट होता है। थर्मोस्फेयर में क्या ध्यान रखोगे? 18 किलोमीटर से अबव जो भी है वो थर्मोस्फेयर है, बट थर्मोस्फेयर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आइनोस्फेयर और एग्जोस्फेयर। आइनोस्फेयर जो है वो 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक आइनोस्फेयर है, और इस आइनोस्फेयर के बारे में क्या ध्यान रखना है कि लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस आइनोस्फेयर। और आपको कुछ भी याद नहीं रखना है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर से रिलेटेड। जब आप पीडीएफ पढ़ोगे या कुछ भी देखोगे तो इससे बहुत ज़्यादा उसमें लिखा होगा, बट इतना ही काम का है, इतना याद कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एक इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से लेयर में ऊपर जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, कौन से लेयर में ऊपर जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो उसको हम बिल्कुल एक लाइन में समझ लेते हैं। देखो, आप यहाँ पे जिगजैग लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ से ये इधर गया, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये टेम्परेचर कैसे आपको ग्राफ में पता चल रहा है? इधर जाने पे, इधर जाने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ट्रोपोस्फेयर में हम ऊपर जा रहे हैं तो ये ग्राफ हमारा इधर जा रहा है, यानी कि टेम्परेचर कम हो रहा है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर में हम इधर जा रहे हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में हम राइट साइड जा रहे हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है। फिर मीजोस्फेयर में हमारा ग्राफ किधर जा रहा है? लेफ्ट साइड जा रहा है, तो टेम्परेचर कम हो रहा है। और थर्मोस्फेयर में हमारा ग्राफ राइट साइड जा रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्या याद रखना है? कौन से लेयर में टेम्परेचर बढ़ रहा है, कौन से लेयर में टेम्परेचर घट रहा है, बिल्कुल देख के याद हो गया, कभी उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस ये ग्राफ ध्यान में रखना, सारा क्वेश्चन बन जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर से रिलेटेड। मार्क कर दिया हमने, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर। तो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है? डिफरेंट गैसेस हैं, मेनली हम उसमें देखते हैं नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, CO2 और अदर गैसेस हैं। तो इसके कंपोजिशन यानी कि परसेंटेज कितना प्रेजेंट है उसकी बात कर लेते हैं। दो तरह से इससे क्वेश्चन आता है, मेनली तो पूछा जाता है कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंट कितना है, मतलब नाइट्रोजन कितने परसेंट वॉल्यूम में प्रेजेंट होता है, और दूसरा पूछा जाता है वेट, मतलब टोटल वेट को मान ले 100 तो उसमें से कितना परसेंट नाइट्रोजन का वेट होगा। ये वेट वाला जनरली बहुत कम पूछा जाता है, रेयरली ही पूछा जाता है, मेनली परसेंटेज वॉल्यूम वाला पूछा जाता है। तो ये हम लोग अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले देखो नाइट्रोजन का बाय वॉल्यूम अगर हम बात करें तो 78.08% ये होता है, परसेंटेज बार बार हम नहीं देंगे। ऑक्सीजन 20.94 यानी कि 21% होता है। आर्गन 0.93 अप्रॉक्स 1% बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। CO2 जो है वो 0.033% होता है, बहुत सारे बुक्स में अब 0.04% भी लिखा जा रहा है। और इससे हम अगर PPM में इसको कन्वर्ट करें, ये देखो CO2 से जनरली क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो इस वजह से इसका बता दे रहे हैं हम खुद ही, कन्वर्ट करके 362 400 PPM प्रेजेंट होता है। CO2 अगर पूछे कंसंट्रेशन उसका पार्ट पर मिलियन के बेसिस पे, PPM कैसे कैलकुलेट किया जाता है होप आप सभी को पता होगा। तो ये 362-400 PPM में अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में बाय वॉल्यूम की अगर बात करें तो, और अदर गैसेस ट्रेस अमाउंट में, इसलिए अदर लिख दिया गया है। और बाय वेट की बात करिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ध्यान रखना 75.5, अगर कन्फ्यूजन हो तो मत ध्यान रखना, सिर्फ परसेंटेज बाई वॉल्यूम ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 75.5%, 23.14% ऑक्सीजन प्रेजेंट है बाई वेट, 1.28% ये आर्गन प्रेजेंट है, और CO2 0.045% अवेलेबल है वेट के हिसाब से, और ये ट्रेस में ही होता है, अदर तो ट्रेस में ही रहेगा। इस स्लाइड में आपको क्या ध्यान रखना है? परसेंटेज बाय वॉल्यूम के बेसिस पे जो भी डाटा दिया गया है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 1% एंड CO2 0.03% प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं हम, कंपोजिशन ऑफ सॉयल एयर। ये तो हमने एटमॉस्फेरिक एयर यानी कि एटमॉस्फेयर की बात करी, अब हम सॉयल के अंदर के एटमॉस्फेयर, सॉयल के अंदर जो एयर प्रेजेंट उसके कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है मोर और लेस सेम ही होता है एटमॉस्फेयर और सॉयल में, तो एटमॉस्फेयर का आपको पता ही है 78.08, तो लगभग उतना ही रहता है। ऑक्सीजन का जो लेवल है वो स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है एटमॉस्फेयर से, थोड़ा कम होता है, ठीक है। प्रिसाइज डाटा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि नाइट्रोजन लगभग बराबर है, ऑक्सीजन थोड़ा कम हो जाता है,
CO2 में क्या खास बात है, उधर भी खास बात था इधर भी खास बात है कि मतलब एटमॉस्फेयर में जितना CO2 का कंसंट्रेशन है उससे 8 से 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। इधर कितना था हमने देखा था एटमॉस्फेयर में, 0.03%। इंटू 10 करोगे तो अप्रॉक्स 0.3% आ जाएगा, तो 10 गुना 0.25 से 0.3% होता है सॉयल के एयर में CO2 का कंसंट्रेशन। आगे हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक को देखते हैं, वो है सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो देख लो, ये सोलर रेडिएशन बोलते हैं किसको हैं, बड़ा नाम से पता चल रहा है कि द रेडिएशन विच इज़ कमिंग फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड सोलर रेडिएशन। अब ये सन से जो रेडिएशन आ रहा है उसको हमने 3 ग्रुप में बांट दिया, स्टडी के कन्वीनियंस के लिए हमने उसको 3 ग्रुप में बांट दिया। और बहुत सारा होता है बट एज एग्रीकल्चर स्टूडेंट आप 3 ध्यान रखें बहुत है आपके लिए। सबसे पहला है यूवी रेज, दूसरा है विजिबल लाइट, और तीसरा है इंफ्रा रेड रेज। शॉर्ट फॉर्म में ही ठीक है, काम चल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो लिख लो यार कॉपी में। यूवी रेज जो है ये टोटल सोलर रेडिएशन जो आ रहा है उसका 4% होता है। सबसे पहले तो देखो टोटल सोलर रेडिएशन जो आ रहा है ना, उस टोटल सोलर रेडिएशन जो है इसका अर्थ पे कितना आता है, 48 to 49%। ये भी ऑब्जेक्टिव में रिपीटेड क्वेश्चन आता है, 48 to 49% ऑफ द टोटल सोलर रेडिएशन रीचेज द अर्थ। सोलर रेडिएशन मान लो 100% निकला तो 48 से 49% अर्थ पे आता है, रिमेनिंग सोलर रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। 48 to 49% अर्थ पे आता है, बाकी रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है। और ये 48-49% को अब हम 100% मान लेते हैं, तो सन मतलब अर्थ पे जितना आ रहा है उसमें 4% क्या आ रहा है, यूवी लाइट आ रहा है, 42 to 46%। ये होता है विजिबल लाइट को ही हम लोग पार बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। IR जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है, ये 52 से 56% तक होता है इंफ्रारेड रेज। अब एक बार हम इनके वेवलेंथ की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन जो है वो वेवलेंथ के बेसिस पे ही दिया जाता है। तो ये यूवी लाइट का जो है इसका वेवलेंथ होता है 300 to 400 नैनोमीटर। यूनिट ध्यान रखना दोस्त, यहाँ हम नैनोमीटर लिख रहे हैं। विजिबल जो है उसका 400 to 700 नैनोमीटर। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए या कहीं भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए, ये सब पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है। पार या फिर विजिबल लाइट का वेवलेंथ होता है 400 to 700 नैनोमीटर, और ग्रेटर देन 700 नैनोमीटर वेवलेंथ है तो वो IR रेज में आ जाएगा, इंफ्रारेड रेज। अब यहाँ जो पार है इसे हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी कि इस रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है। तो इसमें क्या क्या आता है पार में, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब आता है। तो इन सब में से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए, कई बार पूछ लिया जाता है, इसमें भी सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस रेड कलर से होती है, उससे कम ब्लू कलर से होती है, और सबसे कम फोटोसिंथेसिस होती है ग्रीन कलर से। ठीक है, ये ऑर्डर भी आप ध्यान रखेंगे। और ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो है इसको मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट एक यूज़ किया जाता है, उसे हम बोलते हैं क्वांटम सेंसर। पार जो है मेज़र किया जाता है मेजर्ड बाय क्वांटम सेंसर। कलर चेंज कर लो यार, क्वांटम सेंसर। पार इज मेजर्ड बाई क्वांटम सेंसर, इसी का दूसरा नाम है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन सेंसर। यह नाम तो सिंपल है बट जनरली आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह में ये नाम दिए जाते हैं, पार इज मेजर्ड बाई क्वांटम सेंसर। बड़ी सिंपल सी पॉइंट है, ध्यान रखना। और यह रेडिएशन का क्लासिफिकेशन में इससे ज़्यादा आपको कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़े हम, आगे हम देखेंगे वो परसेंटेज वाली बात, अगर किसी को क्लियर हुई नहीं है तो ग्राफ की मदद से हम एक बार और देख लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, दम लाल चमकदार सन ड्रॉ कर दिया हमने, सन से एकदम लाइट निकल रही है एकदम जानदार। ये अर्थ है, अर्थ सरफेस से 1600 किलोमीटर की हाइट तक एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है।
तो इस एटमॉस्फेयर में क्लाउड भी होगा, ये क्लाउड के बारे में याद रख लेना, 25% क्लाउड जो है 25% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता, वापस भेज देता है स्पेस में। और एटमॉस्फेयर में गैसेस भी होंगी, डिफरेंट सारी गैसेस होंगी, गैसेस ही तो हैं एटमॉस्फेयर में, और है क्या। ये जो गैसेस है वो 22% रेज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, 22% क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। ये जो एब्जॉर्ब हो गया लाइट, वो भी बाद में इमिट करेंगे ये इंफ्रारेड रेज की फॉर्म में। समझ गया, ठीक, नहीं समझे कोई बात नहीं। ये क्या है, आउटर लेयर है एटमॉस्फेयर का। आउटर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आगे देखो दोस्त, कोई भी ऑब्जेक्ट है एटमॉस्फेयर में, लाइक कोई बिल्डिंग हो गया, कोई कार वार हो गई, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इससे ये देखो स्कैटर होती है लाइट, सभी को पता है स्कैटर होती है, तो यह स्कैटर्ड रेडिएशन कितना होता है, 10% होता है ये स्कैटर्ड रेडिएशन, बड़ा ही यूज़फुल होता है प्लांट के लिए। ये हम आगे देखेंगे, तब तक आप सोचिए क्यों स्कैटर्ड रेडिएशन डायरेक्ट रेडिएशन से ज़्यादा यूज़फुल। देखो स्कैटर्ड रेडिएशन कहीं टकरा के जो रेडिएशन ऐसे आ रहा है इधर उधर से, वो स्कैटर्ड रेडिएशन हुआ, और सन से जो बिना डिफ्लेक्ट हुए रेडिएशन आ रहा है वो डायरेक्ट रेडिएशन कहते हैं उसको, ठीक है। तो डायरेक्ट रेडिएशन जो है, यहाँ एरो क्यों बना रहे हो, डायरेक्ट रेडिएशन कितना हो गया, 39% डायरेक्ट रेडिएशन है 39%, और स्कैटर्ड रेडिएशन है जो कि अर्थ पे आ रही है वो है 10%। तो हमने पीछे में जो पढ़ा था कि सन पे कितना परसेंट लाइट आ रहा है, 45-48%, तो यहाँ से भी क्लियर पता चल रहा है कि 49% लाइट आ रही है अर्थ पे, उसमें से 10% जो है वो स्कैटर्ड रेडिएशन है, और 39% जो है वो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन है, और टोटल सोलर रेडिएशन होगी 49%। ये देखो अर्थ सरफेस जो है ये रिफ्लेक्ट करता है 4%, जहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है वो भी IR के फॉर्म में ही रिफ्लेक्ट करता है अर्थ सरफेस। इसे हम लोग, ये 4% जो रिफ्लेक्ट हो रहा है इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये आप लोग बहुत जगह डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, एकदम सिंपल से डायग्राम है, जहाँ भी लगे कि हाँ एकदम सूट कर रहा है तो बना देना है, नंबर फुल मिलेगा। डायग्राम बड़ा सिंपल सा है कि सन है, इधर अर्थ बनाया हुआ है, इधर सन बनाया हुआ है, सन से लाइट आ रही है, उस लाइट का क्या हो रहा है, 100% लाइट आ रही है सन से, देख लो एक बार कैलकुलेशन। तो 25% तो रिफ्लेक्ट हो गई, 22% एब्जॉर्ब हो गई, कितना हो गया लगभग, और ये 4% भी काउंट कर लो, 4% रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये तीनों मिला के लगभग 50% हो गया, 50 से थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा, तो ये यहाँ हो गया अपना 50%, एक्चुअली 51% हो रहा है प्रिसाइज अगर बात करो तो, 25, 22 और 4, 51 हो गया, और इधर 49%, 100% सनलाइट हो गया, तो 25% क्लाउड रिफ्लेक्ट कर देते हैं, 22% गैस पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, 4% अर्थ रिफ्लेक्ट कर देता है, और बचा जो 49% उसमें 10% स्कैटर्ड रेडिएशन होता है और 39% डायरेक्ट रेडिएशन होता है। इसको हम स्किप नहीं कर रहे हैं, इसके बाद देखेंगे सोलर कंस्टेंट, अभी हम देखेंगे पहले फॉर्म ऑफ सोलर रेडिएशन समझ लेते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ मैंने ड्रॉ करा, सबसे पहले तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि फॉर्म ऑफ सोलर रेडिएशन कौन कौन सी है, तो तीन होती हैं, पहला है डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, दूसरा है डिफ्यूज्ड या फिर स्काई रेडिएशन, और तीसरा है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। इस रिफ्लेक्टेड रेडिएशन को हम लोग एल्बिडो भी बोल देते हैं। एल्बिडो क्या होता है देखेंगे हम अभी। वापस से हम अपने डायग्राम पे आते हैं। ये देखो सन से कोई, मतलब सन या किसी भी सोर्स से यहाँ लाइट आ रही है, एक लाइट आई यहाँ पार्टिकल के कॉर्नर से टकराई और डिफ्लेक्ट हो गई, यानी डायरेक्शन चेंज कर ली, रिफ्लेक्ट नहीं हुई है ये, डिफ्लेक्ट हुई है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्काई रेडिएशन।
ये एक बार कहानी की तरह डायग्राम तुम देख लो, डिफिनेशन वगैरह सब कुछ याद हो जाएगा। स्काई रेडिएशन, ये कैसी रेडिएशन है, स्कैटर हो गई है पार्टिकल से टकरा के, तो इसे हम स्कैटर्ड रेडिएशन भी बोल देते हैं। स्कैटर्ड रेडिएशन, बढ़िया। और एक लाइट ऐसे आई बिल्कुल स्ट्रेट और रिफ्लेक्ट होके चली गई बिना अपने प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज लाए, तो इसको हम लोग बोल देंगे दिख रहा है क्लियर, रिफ्लेक्ट होके चली गई, तो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन बोल देंगे इसको। यहाँ कुछ लाइट इसको पेनिट्रेट करके अंदर भी आएगी, देखो कुछ लाइट यहाँ इसको पेनिट्रेट, ऐसे लाइट आई पेनिट्रेट करके अंदर आई, इससे बाहर नहीं निकल पाई, यानी कि इस बॉडी ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, इसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। और जो लाइट आई इससे टकराई, इसके अंदर गई और बाहर भी निकल गई, इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड रेडिएशन, ट्रांसमिटेड रेडिएशन। बिल्कुल आप समझ गए। अब देखो ये स्काई रेडिएशन जो है, बिफोर सनशाइन, सनशाइन से पहले और सनसेट, सनसेट उस सारे उस टाइम सिर्फ स्काई रेडिएशन ही होता है, क्योंकि डायरेक्ट सन तो दिख नहीं रहा होता है अपने को, तो उस टाइम जो भी लाइट आ रही है धरती पे वो सब डिफ्यूज्ड रेडिएशन की ही वजह से आ रही है। एक पॉइंट हमने मेंशन करा था कि ये स्कैटर्ड या फिर डिफ्यूज्ड रेडिएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। ये मान लो प्लांट कोई ड्रॉ किया हमने, ये प्लांट में लीफ है, थोड़ा सा समझ लो लीफ है मान लेना, तो ये देखिए सन से लाइट आ रहा है, बढ़िया, ये सन है उससे लाइट आ रहा है, तो डायरेक्ट जो सनलाइट पड़ेगा इतना ही दूर पड़ेगा ना, बाकी इधर लाइट जो भी आएगा इधर से इधर से इधर से इधर से, ये सब तो डिफ्यूज्ड लाइट है। एक बार देखिए अच्छे से, ये ऊपर वाला जो मार्जिन है सिर्फ उतना ही दूर पड़ेगा ना सन से जो डायरेक्ट लाइट आएगा, ये साइड के जितने भी जगह हैं उन सब पे तो डिफ्यूज्ड रेडिएशन ही जाएगा प्लांट पे, तो इस वजह से ये डिफ्यूज्ड या स्कैटर्ड रेडिएशन जो है वो प्लांट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है फोटोसिंथेसिस में। होप आप लोग समझ गए होंगे ये रिफ्लेक्टेड रेडिएशन क्या होता है, स्काई रेडिएशन क्या है, और डिफ्यूज्ड रेडिएशन क्या है, और डायरेक्ट रेडिएशन क्या है। अभी हमने बताया डायरेक्ट, अब इधर देखिए रिफ्लेक्टेड रेडिएशन जो है इसका दूसरा नाम क्या है, एल्बिडो, ALBIDO, बहुत प्यारा टर्म है एल्बिडो। इससे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है कि एल्बिडो ऑफ स्नो क्या होगा, एल्बिडो ऑफ वाटर क्या होगा, एल्बिडो का मतलब तो समझ गए ना, जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन होता है उसी को एल्बिडो बोलते हैं, एल्बिडो वैल्यू का मतलब होता है कितना परसेंट लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, एल्बिडो सिंपली क्या होता है, परसेंटेज ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन, रिफ्लेक्टेड बाई दी सबस्टांस, कोई भी सबस्टांस हो, तो कितना परसेंट लाइट वो रिफ्लेक्ट किया वहीं एल्बिडो वैल्यू होता है, इसको हम परसेंटेज में यूनिट, मतलब परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं इसको, यूनिटलेस है। एल्बिडो का डेफिनेशन क्लियर हो गया, इट इज द परसेंटेज ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाई द सबस्टांस, द परसेंटेज ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाई द सबस्टांस इज कॉल्ड एल्बिडो। एल्बिडो वैल्यू अब डिफरेंट आप दो तीन याद रख लो, देखो एक तो हम क्रॉप सरफेस की बात कर लेते हैं, क्रॉप सरफेस एंड सॉयल दोनों का एल्बिडो वैल्यू सेम होता है, और ये होता है 23-30%। एक पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट आप याद कर लो, फ्रेश स्नो, फ्रेश स्नो का एल्बिडो वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, ये होता है 75-95%। और तीसरा आप वाटर का याद कर लो, वाटर का एल्बिडो वैल्यू होता है 3-10%, बहुत कम होता है। तीन एल्बिडो वैल्यू आपको ध्यान रखना है, फॉर्म ऑफ सोलर रेडिएशन, फॉर्म वर्ड जहाँ भी आए एकदम तीन आंसर चिपका देना, डायरेक्ट डिफ्यूज्ड एंड रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड का दूसरा नाम एल्बिडो, एल्बिडो का मतलब क्या हुआ बता दिया आपको, और एल्बिडो वैल्यू तीन जगह लिखा, तीन लिखवा दिया।
कंप्लीट है। इधर एक पॉइंट देख लो, सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट किसको बोलते हैं? ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, इसका हाइट भी 1 सेंटीमीटर है और विड्थ भी 1 सेंटीमीटर है। इस एरिया में 1 मिनट में कितना एनर्जी फॉल कर रही है उसको हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। डेफिनेशन तो यार देख लेना, एग्जाम में लिखने के लिए तो याद रहना चाहिए। तो इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में, 1 मिनट में कितनी एनर्जी फॉल कर रही है, उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू एकदम से VVI है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो उसका वैल्यू आप याद रख लेंगे। सोलर कांस्टेंट का वैल्यू कितना है? 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। जनरली ये CGS यूनिट है, इसी में पूछा जाता है, बट फिर भी अगर आपसे SI यूनिट में पूछे तो 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर, 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर। SI यूनिट में सोलर कांस्टेंट की वैल्यू 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर, और CGS यूनिट में सोलर कांस्टेंट की वैल्यू 1.94। डन है, सोलर कांस्टेंट क्या है समझ गए और सोलर कांस्टेंट की वैल्यू याद हो गई आपको। फॉर्म ऑफ सोलर कांस्टेंट देख लिया, अब लास्ट में देख लो इंस्ट्रूमेंट। सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं? सबसे पहला है पाइरेनोमीटर। पाइरेनोमीटर, ये पायरो हेलियोमीटर, थोड़ा देखो लो। पाइरेनोमीटर जो है वो मेज़र करता है टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन। किसको? टोटल वर्ड को ध्यान रखना है आपको। फिर पायर हेलियोमीटर जो है ये मेज़र करता है डायरेक्ट बीम ऑफ सोलर रेडिएशन। देखो सोलर रेडिएशन कौन कौन सा है, 3 तरह का है ना, डायरेक्ट, डिफ्यूज्ड, रिफ्लेक्टेड। तो ये डायरेक्ट और डिफ्यूज दोनों को मेज़र कर रहा है तो इसको टोटल बोल देंगे हम, और ये सिर्फ डायरेक्ट को मेज़र कर रहा है तो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है पायरी हेलियोमीटर। ओनली मेजर्स डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, एंड पायरेनोमीटर मेजर्स बोथ डायरेक्ट एंड डिफ्यूज सोलर रेडिएशन। और क्वांटम सेंसर, क्वांटम सेंसर मेज़र करता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को। क्वांटम सेंसर का दूसरा नाम अभी मैंने पीछे बताया था, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन सेंसर, PAR सेंसर, या फिर क्वांटम सेंसर। आपने यहाँ तक देखा, अपना नेक्स्ट टॉपिक टेम्परेचर है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। अगर आपको ये नोट्स डाउनलोड करना है, क्लास नोट्स, तो आप ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है हमने, और उस ऐप में आपको ये नोट्स फ्रीली अवेलेबल है। अगर आपने यहाँ तक देखा, आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो लेक्चर को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें लेक्चर को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।